दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षा बहाली से संबंधित है। बीपीएससी टीआरई 2.0 का बहुत सारे विषयों का रिजल्ट कल देर रात तक जारी होता रहा। करीब 11 बजे तक रिजल्ट जारी होता रहा, जबकि आज जो है 5:30 से पहले यानी 5 बजे के बाद ही रिजल्ट जारी होना शुरू हो गया है। आज लगता है कि बहुत अधिक विषयों का रिजल्ट जारी होगा। लगभग 11-12 के सभी विषयों का रिजल्ट जारी हो गया है। कुछ विषय अगर बचे भी होंगे तो लगता है कि आज पूर्ण रूप से जारी हो जाएंगे। उसके बाद सोशल साइंस 9-10 का भी रिजल्ट जारी हो गया है और बच गया मैथ। तो मैथ का रिजल्ट तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि पुनर्परीक्षा वाला जो हुआ था उसका फाइनल आंसर के जारी नहीं हो जाता। जैसे मैथ विषय था और हिंदी इंग्लिश था, उसमें अगर उसका फाइनल आंसर के जारी हो जाएगा तो रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी उसका फाइनल आंसर की भी जारी नहीं हुआ है। लेकिन आज अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो कल कन्फर्म है कि रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए सोशल साइंस का कट ऑफ कितना गया है, हम लोग देख सकते हैं। सोशल साइंस का देखिए दोस्तों, सोशल साइंस में जो है जो टॉप है, एक नंबर मेरिट सीरियल में है उनका जो है धनंजय कुमार 31-56-72 UR में टॉप किए हैं, यानी कि एक नंबर आया है उनका रैंक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया है, आप भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो सोशल साइंस 9-10 है उसका कट ऑफ जो है UR का 83 गया है, ठीक है दोस्तों, और फीमेल का 76 गया है। EWS का 9-10 में 78-78 गया है, जबकि फीमेल का 72-72 गया है। SC का 68 गया है, SC फीमेल का 60 गया है, ST का 60 गया है और ST फीमेल का 61 गया है। EBC का 77 यानी 77 गया है, EBC फीमेल का 69 गया है, BC का 80 गया है रिकॉर्ड। यानी कहने का अर्थ है कि EWS से भी अधिक कट ऑफ गया है BC का, बीसी का कट ऑफ 80 चला गया है, जो उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद BCL का 71 गया है, डिजिबल जो होता है उसका 60 गया है, DD डिजिबल का 54 गया है, डिसेबल OH का 71 गया है, डिसेबल्ड MD का 39 गया है और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनका कट ऑफ जो है पोता नाती उसका 61 गया है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जिस रिजल्ट का बहुत दिनों से इंतजार था उसका रिजल्ट आ गया है सोशल साइंस, और उस सोशल साइंस का कट ऑफ जो है UR का 83 गया है और कैटेगोरी में भी अधिक खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है दोस्तों। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग यही है कि रिजल्ट जो है जारी हो गया है और धीरे धीरे जारी हो रहा है, और आज लगता है कि 9-10 मैथ सब्जेक्ट रह गया, उसका भी रिजल्ट जारी होता है या नहीं होता है। और 11-12 का उर्दू का रिजल्ट जारी हो गया, इंग्लिश का जारी हो गया, हिंदी का जारी हो गया, ज्योग्राफी का भी जारी हो गया, अकाउंटेंसी का भी जारी हो गया, पॉलिटिकल साइंस का भी जारी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका इसमें जो भी विषय है आप उस विषय का रिजल्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं, और रिजल्ट आना शुरू हो गया है, ठीक है दोस्तों। हर एक पल पल के अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स दोस्तों।